Hello viewers, welcome to my channel Angel Gabriel Tarots. Today I made this video for Ankita Lukhande. किसी ने मुझसे ये पूछा हुआ है कि अंकिता लोखंडे के पिछले वीडियोस में तो जो उनकी स्पिरिट थी सुशांत की, वो दिखा रही थी कि एक बहुत ही अच्छी इंसान है और एक अच्छी इंसान है नहीं दिखाया है, आप थोड़ा सा गलत उसको देख रही हैं। सुशांत ऐसा सोचते हैं कि अंकिता उनके लिए अच्छी थी और उनके दिल में अभी भी, मतलब अब तो वो स्पिरिट हैं, मैं क्या बोलूँ, स्पिरिट एक रेस्पेक्ट दे रही है अपने फ्रेंड को कि यस आपने मेरे साथ इतना साथ निभाया। औरों से तो अच्छी ही हैं अंकिता, लेकिन एक मेन बात ये याद रखिए आप सब लोग कि देखिए जो मेन इसका जो मर्डर प्लानर है, ये कोई एक नहीं है, पूरी इंडस्ट्री के कोई भी डायरेक्टर और कोई भी हो सकता है एक्टर, मैं नाम मेरे इस वक्त नहीं ले सकती सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये लोग मेन मर्डरर हैं। केवल छोटे लोग को, जो छोटे जो जूनियर आर्टिस्ट हैं या जो अभी अभी नए आए हैं, उनको दिखा देना कि इन्होंने ऐसा किया है, ये लोग ने प्लानिंग में इन्वॉल्व थे, इनको पता था कि सुशांत जो है तकलीफ़ में है, और उनके फ्रेंड सर्कल को परेशानी में डालना, ये सब चीज़ें इनकी जो है वो प्लानिंग है एक तरीके से, आप ये समझ लीजिए। उसमें आपने देखा होगा कि अंकिता के जब मैंने प्रेडिक्शन निकाली थी, जस्ट अभी जो मैंने वीडियो दिखाया था उसमें मैजिक का कार्ड आ रहा था, ट्रिक्स, मैंने साफ बोला था कि उनके साथ ट्रिक्स खेली जा रही हैं, वो ट्रिक में फंसती चली जा रही हैं, क्योंकि उनको और कोई, उनका करियर, उनका कोई फील्ड वो नहीं पकड़ सकती, वो इसी ही लाइन में रहना चाहती हैं। तो इस लाइन में रहने के लिए जो बड़े लोग हैं, अब मैं उनका नाम नहीं ले सकती हैं, अब नहीं उनका नहीं हम ले सकते उनका नाम, तो क्योंकि आप सब जानते हैं कि एक एस्ट्रोलॉजर था जिसने अक्षय कुमार पे लगा दिया और इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने प्लान किया था, ऐसा नहीं था, जबकि तो नेक्स्ट डे ही उनके पास वो चार्ज लग गया उनके ऊपर करोड़ों का अक्षय कुमार की तरफ से। तो ये सब चीज़ें जो हैं सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर ही रही है, और जब सीबीआई लगी ही हुई है तो अदर चैनल्स क्या कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पे कार्ड्स जो दिखा रहा है वो सच्चाई को दर्शा रहा है कि अंकिता अपने करियर को लेकर के बहुत सेंसिटिव हैं, लेकिन औरों से तो अच्छी ही हैं, ये रिया टाइप की लड़कियाँ के तरह तो नहीं हैं, एटलीस्ट उन्होंने हमेशा सुशांत का साथ दिया। और अगर वो एकता कपूर के, अब आप ये देखिए कि एकता कपूर ने बुलाया होगा ना, वो खुद तो नहीं गई होंगी, वो खुद नहीं गई होंगी प्रेयर में, एकता कपूर ने बुलाया होगा उनको, तो वो गई होंगी वहाँ पे। तो मैं आपका प्रश्न फिर भी, क्योंकि मैंने बोला था कि ये जो स्पिरिट होती है ये सुनती है, ये देखती भी है और महसूस करती है कि ये सब प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो एक खलबली मचती है कि इस तरीके से कैसे अंकिता के लिए ये चीज़ बोली जा सकती है, जबकि अंकिता को ट्रिक्स खेली जा रही हैं। जब ट्रिक्स खेलते हैं ना इतने बड़े फील्ड पे, आप ही लोग देखिए, अगर बॉलीवुड में कोई ज्वाइन करें अभी, देखिए कितनी आपको गंदगी देखने को मिलेगी, आप ऐसे फंसेंगे कि कंगना रनौत जैसे लोग तक जो है वो घर तोड़ दिया गया, इस तरीके से ऑफिस उनका तोड़ दिया गया, ये सब बदतमीजियाँ हो रही हैं उनके साथ, तो आप लोग क्या हैं, सोच के देखिए। अंकिता लोखंडे एक बहुत हाई फाई उसके परिवार के तो आई नहीं है, ये बात बॉलीवुड के जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं और डायरेक्टर्स हैं वो सब जानते हैं, आप सब भी जानते हैं ये चीज़, उनके साथ ट्रिक खेली जा रही है सीधी सीधी, अपने ऊपर ना इमेज दिखा करके, जितना भी ये खान परिवार है वो सब जो है यहाँ ये दिखा रहा है कि ये लोग जो है इन्वॉल्व है, ये लोग इन्वॉल्व है ही नहीं, असली में तो ये लोग हैं जो ऊपर बैठे पैसा खिला रहे हैं पुलिस वालों को। अंकिता लोखंडे ने कोई पैसा खिलाया था क्यों, क्या वो सबसे पहले नहीं आई थी, उन्होंने अपनी गाड़ी दे दी थी मुंबई पुलिस को, आपको याद नहीं है, मुंबई पुलिस को उन्होंने गाड़ी दे दी थी कि आइए इन्वेस्टिगेशन करिए, तब उस वक्त उनको कोरोना के चक्कर में उनको होम क्वारंटाइन कर दिया गया, जो बिहार से आए हुए थे पुलिस जो पूरी टीम थी, पूरा हेल्प किया हुआ था अंकिता ने। तो ये सब चीज़ें ट्रिक्स खेली जा रही हैं अंकिता के साथ, और ये ट्रिक्स जानते हैं आप कैसे खेलते हैं, ये लोग ऐसे खेलते हैं, इस फील्ड में अगर रहना है आपको तो आपको हमारे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, आपको मीडिया में जा करके अपने आप को खुश दिखाना है, अपने आप पेरेंट्स को खुश दिखाना है, आपको दिखाना है कि विक्की चैन से मेरी इंगेजमेंट हो रही है, आप खुश हैं, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें अगर किसी लड़की के साथ होगी, आप लोगों के साथ अगर होगी, तो आप लोग भी ये कहेंगे कि हाँ चलो ठीक है, पैसा तो आ ही रहा है ना, तो चलो करो इसी को काम को, क्या किया जाएगा, अगला जना तो नहीं जान रहे घर में किस चीज़ की तंगी पड़ी हुई है। तो अंकिता गलत नहीं है, अंकिता के साथ ट्रिक्स, माँ मैजिक वाला कार्ड आया था, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, उनके साथ ट्रिक्स खेली जा रही हैं, और बाकी वो मीडिया में वो जो दिखा रहे हैं वो सब
केवल वही है ना कि आप केवल अच्छे चीजों को भी तो देखिए, नेगेटिव चीजों के पीछे वो लड़की क्यों इतनी परेशान है, क्यों? क्योंकि उसको अपना करियर संभालना है। तो आई थिंक कि आपको मैसेज इसमें समझ में आएगा जो मैंने आपको बोला है। किसी जो मेन इसका जो सूत्रधार है उस पे फोकस करिए आप सब लोग, उसके लिए शाउट करिए कि ये असली में है, जो असली जो किलर है वो तो आराम से घूम रहा है। तो मैं अपने कार्ड के थ्रू ये प्रश्न रख रही हूँ कि अंता लोखंडे का, मैं फिर भी ये क्वेश्चन रख रही हूँ, यूजली आई कनेक्ट टू द स्पिरिट, मेरे आसपास जो कभी एंजल से मुझे बताएं कि क्या मैसेज करना चाहते हैं, अगर कोई मैसेज है अंकिता लोखंडे के लिए कि उनकी इमेज को इस तरीके से ख़राब किया जा रहा है, जबकि वो एक इस तरह की है ही नहीं, उनका करेक्टर इस तरह का नहीं दिखाता है कि इतनी ख़राब हो कि सुशांत के लिए वो प्लान करें या इस तरह से। क्या ऐसा कुछ, ऐसी कोई संभावना है कि वो इसमें कोई वास्तव में जो उनको दिखाया जा रहा है ख़राब हो, क्या है ऐसी? यहाँ पे जो कार्ड सबसे पहला आया हुआ है, जो स्पिरिट मैसेज कर रही है, यहाँ पे एक नई शुरुआत का कार्ड आया हुआ है। दैट मीन्स ये एक कार्ड पॉजिटिव एनर्जी वाला है। यहाँ पे कार्ड थामी भर रहे हैं और यहाँ खुद एंजल्स यहाँ पे आशीर्वाद दे रही हैं। ये कार्ड जब आता है, आपको मालूम है कि एंजल्स का कार्ड जब आता है, दैट मीन्स को एंजल्स खुद मैसेज कर रहे हैं, स्पिरिट खुद कह रही है कि यहाँ पे जस्टिस होगा, एक नई शुरुआत होगी। एंजल्स कह रहे हैं कि जस्टिस होगा, एक साफ क्लियर मैसेज आपके सामने है। अगर वो लोग गलत काम कर रहे हैं, 1 साल तक वेट करिए, मैंने बोला था कि अगले साल नवंबर तक मोस्ट प्रोबेबली जस्टिस होगा, चीज़ें खुल के आएंगी। जो मेन इसका सूत्रधार है, अगर वो पुलिस किससे बच भी जाता है पैसे के दम पे, तो भी ये स्पिरिट छोड़ेगी नहीं। जो सुशांत के जो एंजल है, वो सुशांत खुद एंजल हैं, भगवान नहीं छोड़ेंगे। जहाँ मुझे जस्टिस का कार्ड आया हुआ है, आप खुद देख सकते हैं ना, यहाँ पे मैं यूजली कनेक्ट करती हूँ इसी जगह पे आके। ये शांत जगह है मेरे लिए, ये बेस्ट है मेरे लिए जगह, तो ये मेरा अलग एकदम ऑफिस है ये मेरा, तो इस पर मैं कनेक्ट करती हूँ। और ये चीज़ यहाँ स्पिरिट अपने आप साफ मैसेज कर रही है कि जस्टिस होगा, एक न्यू शुरुआत होगी। दैट मीन्स कि बॉलीवुड में अभी जितनी भी गंदगी है ना, वो सब अभी निकलनी बाकी है, और ये एंजल्स खुद काम करेंगे। ये कोई इंसान का काम नहीं है, ये इंसान काम नहीं कर पाएगा। यहाँ पे सीबीआई और सब जो लगे हैं, ये अपने अपने, क्योंकि ये भी सब बद्ध जीव हैं एक तरीके से, उनको पैसा देंगे वो चुप हो जाएंगे। और वैसे भी सीबीआई में मैंने उस दिन निकाला था कि झगड़ा दिखा रहा था आपस में, तो वो कुछ कह रहे हैं, लेडीज़ कुछ कह रही हैं सीबीआई में इन्वेस्टिगेशन में, जो लेडीज़ उसमें लेडीज़ भी हैं एक दो। तो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, जस्टिस होगा बिल्कुल, निश्चिंत होकर देखिएगा। अगर अंकिता पे कोई अगर ऐसी बात आ भी रही है, तो अंकिता के साथ भी जस्टिस होगा। और क्योंकि वो करियर को लेके बहुत ज़्यादा फोकस है और बहुत ज़्यादा चिंतित भी हैं, सेंसिटिव भी हैं, तो जैसे कि मैंने बताया कि वो इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हैं। उनको पता था कुछ चीज़ें, लेकिन उन्हें छोड़ दी थी सुशांत सिंह राजपूत पे, कि ठीक है वो रिया के साथ रह रहे हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि वो मर्डर हो जाए, क्योंकि उसमें आपने देखा होगा कि बीटिंग का कार्ड नहीं आया था, केवल हैंग्ड मैन का कार्ड आ रहा था। दैट मीन्स शी नोज, वो केवल वो इतना जानती थी कि इनको हैंग किया गया या आत्महत्या कर ली, वो खुद ये सोच रही थी। अगर बीटिंग वाला कार्ड आता, दैट मीन्स कि वो जानती थी कि इनको मारा गया है या उसमें इन्वॉल्वमेंट है इनका, ये जानती थी वो। अगर इस तरह से कार्ड अगर आता, तो कार्ड उसमें नहीं आया, बीटिंग कार्ड नहीं आया, हैंग्ड मैन का कार्ड आया हुआ था, आपने देखा होगा। और मैजिशियन का भी कार्ड आया हुआ, दैट मीन्स कि ट्रिक खेली गई अंकिता के साथ। अभी भी ये लोग यही कर रहे हैं। आप लोग प्लीज़ भटकिए नहीं, जो मेन जो एक्टर्स लोग हैं ना, बड़े बड़े डायरेक्टर्स लोग हैं, ये सब काम कर रहे हैं सब मीडिया के थ्रू कि इनको भड़काओ और सब लोग को अपना अपने तरफ सब कुछ साफ करो, क्योंकि उनको पिक्चर्स बनानी है, हम सबको दिखानी है। हम लोग अपने पॉकेट से देंगे ना पैसा उन सिनेमाघर में जा कर के उनके। फिर यहाँ भी कार्ड ये बताता है कि ये एक तरीका का व्यंग है, आप लोग उस चीज़ को समझिए। ये यहाँ पे कार्ड दिखाता है इस जस्टिस के बाद, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अंकिता लोखंडे जो थी, ये बहुत ही नॉलेजबल हैं और
एक बहुत ही इनोसेंट और बहुत ही अच्छी लेडी है, ये कार्ड्स खुद मैसेज कर रहे हैं वो किस तरह का कैरेक्टर है उनका, और उन्हें अब बहुत इंसल्ट वो झेल रही हैं, ये कार्ड साफ दिखाता है। पिछले वीडियोस में भी आप देख लीजिएगा, ये कार्ड यही मैसेज करता है, ये वाला कार्ड मगर हटा दूंगा केवल अकेले में। ये इतनी नॉलेजेबल और इतनी अच्छी लेडी के होने बावजूद उनको इंसल्ट झेलनी पड़ेगी, और बहुत ही गंदे तरीके से इंसल्ट उनको झेलनी पड़ेगी। तो ये चीज़ गलत है ना, ये चीज़ नहीं होना चाहिए उस लेडी के साथ। और एक परिवार में रह करके उसने बहुत, मतलब वो जॉइंट फैमिली या घरेलू टाइप की अंकिता बहुत ज़्यादा, तो वो तो ऐसी हैं कि सुशांत के लिए उन्होंने अपना करियर तक जो है वो दाव पे लगा दिया था। एक समय पे उन्होंने कहा था कि ठीक है आप आगे बढ़ जाइए और मैं पीछे हट जाती हूँ, इस तरीके से था। तो ये बहुत ही फैमिली को मैनेज करने वाली हैं, फैमिली में कैसे निभाना है अंकिता, इस तरह की ये कार्ड सब नेचर बता रहे हैं अंकिता का। और ये यहाँ ये बता रहा है कि ये यहाँ पे इश्यूज़ दिखा रहा है कि अंकिता के साथ अभी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होंगे। इनके जो है जो अभी इमेज इनकी रखी जा रही है उसमें, आप जो भी चैनल मुझे नाम बता रहे हैं, जो भी कुछ भी आप बता रहे हैं, इनके घर में भी बहुत इस वक्त झगड़ा चल रहा है। ये इस वक्त यहाँ इशूज़ वाला कार्ड आ रहा है, दैट मीन इनके फादर के साथ भी कुछ जो है वो गड़बड़ चल रहा है, और इनके जो जो अभी एंगेजमेंट जिससे हुई है विक्की जैन से, उससे भी इनका जो है वो यहाँ पे झगड़ा दिखा रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये चीज़ों को संभालने वाली हैं। ये बहुत ज़्यादा तेज़ बोलने वाली नहीं है अंकिता, इनकी कुंडली मैंने देखी थी, लेकिन ये चीज़ कहना कि वो इस तरीके से पहले कार्ड अच्छे आ रहे थे अब ख़राब आ रहे हैं, क्यों ख़राब आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि कार्ड्स बताना चाह रहे हैं कि अंकिता फंसी हुई हैं, सब चीज़ों में फंस गई हैं जाकर, उनको फंसाया जा रहा है। वरना मैजिक वाला कार्ड क्यों आता, वरना जो है केवल हैंगमैन का कार्ड क्यों आता, हैंगमैन का क्यों, क्योंकि उनको लग रहा था कि आत्महत्या उन्होंने भी कर ली है, मीटिंग वाला कार्ड नहीं आया था। अगर आपने वीडियो, मैंने वो दो डिलीट किए थे, मुझे बहुत ही ख़राब लगा वो दो वीडियो मुझे डिलीट करने पड़े, इसी वजह से कि जो टू एक्टर्स का आपने पूछा था SRK और मैं ऐसा कोड वर्ड यूज़ कर रही हूँ, SRK और सल्लू, इन दोनों एक्टर से मैंने प्रेडिक्शंस निकाले थे अलग वीडियो बना करके, मुझे वो डिलीट करने पड़े। क्यों, क्योंकि उसमें साफ उसमें मारपीट और उनकी हत्या और डेथ के कार्ड और ये सब आ रहे थे, दैट मीन्स वो लोग जानते थे असली में कि इनके साथ ये गंदा काम इन लोगों ने किया है, अंकिता के में नहीं आए ये सब कार्ड्स। फिर मैंने डिलीट कर दिए थे वो, बाद में दो दिन बाद ही डिलीट कर दिए थे, मैं उस पर दोबारा नहीं जाना चाहती हूँ। तो जो मेन उसका जो मेन कातिल है उसको CBI पकड़े ना, उसके लिए आप लोग शाउट करिए, अंकिता लोखंडे के लिए शाउट नहीं करिए। तो आई थिंक कि आपको मैसेज मिला होगा, क्लियर मैसेज है, इतना सफिशिएंट है। और पिछले जो कार्ड्स आए थे लगता है शायद आपको एक्सप्लेन फिर से मुझे करना पड़ गया इसमें, तो अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि असल में मैसेज क्या है अंकिता के लिए, स्पिरिट जो कह रही है। जस्टिस का कार्ड है, जस्टिस होगा, बिल्कुल होगा, आप उसमें निश्चिंत रहिए एकदम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।